तो नए व्लॉग की और नए ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है गाइस। ये हो रही है पैकिंग। माय वाइफ इज पैकिंग क्लोथ्स फॉर मी। थैंक यू बेबी। आपके जितने भी टॉयलेटरीज है वो अलग रखेंगे। तो वी आर टेकिंग फॉर दिस ट्रिप टू डिफरेंट बैग्स। ये मेरा पैक पैक हो गया, अभी सोमी का बैग पैक करेंगे, देन वी आर ऑफ। तो फाइनली गाइस, बहुत सारी जद्दोजहद के बाद भी पैकिंग अभी कंप्लीट नहीं हो चुकी है। ऑलरेडी 12:20 है और हमको 4 बजे स्टार्ट करना है ट्रैवलिंग। जैसे आप देख सकते हो तो 2 ही बैग पैक हो पाए हैं, आधा अधूरा रख के अभी सोने जा रहा हूँ मैं। बिकॉज सोने जा रहा हूँ मैंने किया है पैक, 1-2 घंटे से नहा रहे थे बस। आप मैं तो ना वापस बुलाया को ड्रॉप करता हूँ। मैं अम्मी, मैं अम्मी को छोड़ कर नहीं रह सकता इतने दूर दूर। अम्मी मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ, चलो। नहीं तुम यहाँ रहो अम्मी। कॉल करती रहूंगी मैं। अच्छा तो गाइस फाइनल सामान रखा जा रहा है। 4 बजे निकलना था, ऑलरेडी आई एम 2.5 आवर्स लेट। 6:34 हो चुके हैं। अब्बा फजर की नमाज़ पढ़ के आ गए हैं। नानी मेरे ऊपर वेट कर रही है। तो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स की जर्नी है गाइस। मैंने मीटर को रीसेट कर दिया है। 800 लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदाफिज नानी मी। ओके राजेश सिगना, ओके अब पढ़ दूं दुआ। बेब अब तू हो गई मेरे हवाले, तेरा क्या होगा कालिया। तो गाइस आज हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। आज हम ट्रैवल करने वाले हैं, यम टू यम की हमारी जर्नी है, मैसूर टू मुंबई बाई रोड। तो जुड़ो हमारे साथ ये खूबसूरत जर्नी में, क्या क्या होता है, हम कब पहुंचते हैं, सबसे ज्यादा ट्रैवल टाइम आपको हम बताएंगे। 6:43 है, चलो आप मान लो 6:45 को हमने स्टार्ट किया है। हम कब कितने बजे तक पहुंच जाएंगे वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे। तो इट्स गोना बी अ नई जर्नी और सोमी की सबसे पहली आज सोलो ट्रिप है कार में, इतनी लॉन्ग। हाउ एक्साइटेड आर यू? सोमी की फर्स्ट रोड ट्रिप है इतनी लंबी। मैं मैक्सिमम, मैंने सोमी की लाइफ की फर्स्ट ट्रिप गाइस बताओ। मैंने मैक्सिमम 8 आवर्स ट्रेवल किया था, मैक्सिमम 7-8 आवर्स में ज्यादा से ज्यादा बोल रही हूँ। बट आई थिंक इट्स गोना बी लाइक 18 आवर्स फ्रॉम हियर। लेट्स सी 18 आवर्स दिखा रहा है मुंबई पहुंचना। हम लोग कब तक पहुंचते हैं, क्योंकि बीच में रुकना, रेस्ट करना, खाना पीना सब इंक्लूड करके लेट्स सी हम लोग कब तक पहुंचते हैं और रास्ते में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह ताला आसान हो रास्ता हमारा, अल्लाह से दुआ करेंगे। लीविंग मैसूर, लेट्स गो, वेलकम बैक सून इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 2-3 रूट्स है गाइस बॉम्बे जाने के। एक श्रीरंगपटना से लेफ्ट लेके आई हैव टू गो थ्रू रोड और जाना पड़ेगा थ्रू वाया बैंगलोर। मैंने चूज किया वाया बैंगलोर बिकॉज थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा रोड। बट वाया बैंगलोर क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज नाइस रोड है ना, एक्सप्रेस रोड है, सॉरी। तो एक्सप्रेस रोड से थोड़ा स्पीड अप करके गाड़ी चला सकता हूँ, एटलीस्ट एक एवरेज 120-140 में तो चला सकता हूँ। अगर वो रोड्स में जाऊंगा तो थोड़े नैरो रोड्स हैं तो 60-70 की स्पीड चला पा रहा हूँ। गाइस कमेंट करके बताओ लास्ट जो लोग ने भी वो रोड से ट्रैवल किया था कि वो रोड के कंडीशंस कैसे हैं, सो दैट अगर बहुत अच्छे हैं तो मैं आने के टाइम वो रोड चूज करूँगा वापस आते। तो नेविगेशन का कहना ये है, नेविगेशन साहिबा का गाइस, 18 आवर 11 मिनट लगेगा पहुँचने में। नाउ आई हैव रीच श्रीरंगपटना। तो आ गया हमारा फर्स्ट टोल गाइस। बेबी हमारे जर्नी का फर्स्ट टोल है। अब कितने टोल आएंगे हमें भी नहीं पता, बट दिस इज काउंट करते हैं, ये पहला है, देखते हैं आगे कितना आता रहेगा। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट टोल और क्लियर हो चुका है हमारा फर्स्ट टोल। दिल है तुम्हारा ये आसमां हमारा, ये रास्ते गवर्नमेंट के
डीजल खत्म हो रहा है गाड़ी में, गाड़ी चल रही है टैक्स भरे हुए मेरे रास्ते में, खड्डे आए खटखट, गाड़ी चल रही फुरफुर। गाइस सेकंड टोल आ चुके हैं, नहीं सेकंड टोल है और गाड़ी में थोड़े चेंजेस हो चुके हैं। लम्मो ब्लैंकेट के अंदर जा चुकी है, मॉर्निंग में ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे वो वाइब आ रहा है को ठंडा ठंडा। It's 7:56, सो जा लम्मो, सो जा। मैं सो नहीं रही हूँ, I just want to cover myself and feel cozy. I want you to sleep off. कितने टोल आ रहे हैं भी, we have to keep the count also. Yeah, this is the second toll. हर हमेशा टोल्स का थोड़ा इशू होता है। क्या बेबी? बेब, आई एम जस्ट रिचार्जिंग फास्ट टैग। अच्छा, हमारा थर्ड टोल टैक्स आ गया ना? अभी वी हैव फिनिश्ड बैंगलोर, बैंगलोर खत्म हो गया, अभी हम नाइस रोड एंटर कर रहे हैं। बैंगलोर बाईपास करके जा रहे हैं हम। अच्छा, अभी नाइस रोड एंटर कर रहे हैं, नाइस रोड एंड करेंगे फिर हम वायनाड यहीं से गए थे ना? नहीं बेबी, बैंगलोर का नाइस रोड है। अच्छा बैंगलोर, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा सिमिलर सा, सॉरी। It's okay. You don't have to be sorry. You don't know that's all. Cute लग रहा है baby. क्या cute लग रहा है आपको? Thank you love. Color combination अच्छा लग रहा है, shorts and t-shirt. Yeah. It's like amazing. Best for your travel. Good travel look. आपसे सिखाया baby. Oh. हो गया? First recharge हो गया. I have recharged for 5,000 rupees. Will be enough ना? हाँ. गाइस बैंगलोर के रास्ते की एक खासियत है, यहाँ के रास्ते बहुत सुंदर लगते हैं, साथ में ग्रीनरी, ये लेन, ये रोड्स एंड हिम, चंदा मेरा चंदा बेटा। थोड़ा सा डीजल ब्रेक नहीं है, टायर में एयर चेक कराना था गाइस, तो थोड़ा सा ऐसे ही जाके कैसे एयर पूछूं फ्यूल स्टेशन में, तो थोड़ा डीजल रिफिल करवा रहा हूं। डीजल तो पूरा भरा के निकले थे ना हम लोग, आई थिंक 20 लीटर्स करा रहा हूं, बिकॉज़ टायर में एयर चेक करवाना था मुझे वहां पे। ऐसे नहीं करते ये लोग, करते तो हैं बट आई थॉट एनीवेज जब स्टॉप हो रहे तो डीजल भी डाल लेते हैं। खाएंगे ना, कुछ भूख लग रही है मुझे। अच्छा, मुझे इडली कुछ खाना है, हेल्दी हेल्दी और लाइट, तो करते हैं। क्या हो गया अभी, फिर से क्या क्यों आया? शोरूम कॉल करके पूछा मैं, तो वो बोल रहा है अगर हाईवे पे कर रहे हो 30 करा दो और कम करो। ब्रदर 31 माड़ी मुहत कड़मे माड़ी आयता, तो 30 करवा रहा हूँ मैं। अभी 34 करवाया था लेकिन आई थिंक आइडियल इज 30। हाँ मुहत बेबी, मैं नाइंग सम स्नैक। इट्स ओके बेबी, अब मुंह से बाइट करो और वो मुझे दे दो। सके दो। वाह क्या टेस्ट है एप्पल में, ऐसा लग रहा है कि अमरूद खा रहा हूं मैं, अमरूद। तुम मुझे काट कर तुम ही खा लेते, ओके? डेलिया को भी ले चले सफर में। अच्छी बात है, अल्लाह खैरियत से ले जाए। आयतल कुर्सी वगैरह कितने दम कर लिए था? आयतल कुर्सी नहीं, सफर की दुआ पढ़ ले, आयतल कुर्सी भी अभी पढ़ लेंगे, लेकिन आप कब आ रही बोले, आपको भी हम, हमारा बहुत मन है कि हम आपको भी सफर में ले जाना चाहते हैं। आइए आप जल्दी जरूर, ठीक है? फिफ्थ टोल टैक्स एंड वेलकम टू मुंबई हाईवे, बैंगलोर टू मुंबई हाईवे। ओह हम आ गए, हाँ फाइनली। नाउ आवर जर्नी इज गोना स्टार्ट फ्रॉम बैंगलोर टू मुंबई नेशनल हाईवे। तो गाइस हम लोग एंटर कर रहे हैं बैंगलोर टू मुंबई नेशनल हाईवे पे। फिफ्थ टोल टैक्स हमने जस्ट अभी भरा है और थोड़ा ट्रैफिक दिख रहा है। दिस इज NH 48। ट्रैवलिंग का एक बेस्ट पार्ट होता है गाइस, ब्रेक लेके खाना खाना। तो सबसे पहला अभी हमारा ब्रेक चल रहा है ब्रेकफास्ट का, और ब्रेकफास्ट में हमारा हाँ बहुत ज़्यादा, और हमारा ब्रेकफास्ट का भी मेनू है, फर्स्ट आई है इडली। बिहाइंड कितना बुरा है, तो बहुत बुरा इंसान है बेटा।
बेबी डोसा आ चुका है, मैसूर मसाल डोसा, इडली डोसा, गट्टे चटनी चाहिए यार, गट्टे चटनी नहीं, गट्टे चटनी मेरे को, गट्टे चटनी चाहिए तो मैंने बोला है वो लाने के लाने गया हाईवे पे इधर ही। आई वांट टू शेयर वन थिंग, डोसा हम लोग बहुत जगह खाते हैं पर जो मैसूर में डोसा मिलता है ना आदि वो कहीं नहीं मिलता वैसा टेस्ट। सही बोल रहे हो, चटनी मसाला ये लेयर जो डोसे की होती है वो बहुत ज्यादा। मैसूर इज वेरी वेरी वेल नोन फॉर मसाला डोसा, तो मां के जैसा तो मुझे भी लगता है। एंडिंग आवर ब्रेकफास्ट विद अ फिल्टर कॉफी। हम लोग का ब्रेकफास्ट बेबी पेट भर चुका है बहुत अच्छे से। यस वी आर डन। अभी हम लोग डायरेक्ट, आप क्या बोल रहे थे, अब डायरेक्ट हम 3 से 3 बजे तक लंच करेंगे ना। इट्स 9:30 नाउ, हां 9:40 है तो इंशाल्लाह we will have next stop by 3 o'clock. No, हर stop by is somewhere around like that, right? हम लोग बोलते हैं 5 मिनट के लिए रुकते हैं, नहीं होता है ना, ऑर्डर करो खाना हो फिर प्यार हाँ खाओ वॉशरूम जाओ, दैट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ हरी भरी में भी 45 मिनट्स, तो हर बार 45 मिनट्स के स्टॉप्स, अगर 4 स्टॉप भी ले लेंगे दैट्स 4 आवर्स 3 आवर्स। ओके सो गाइस हम लोग ज्यादा स्टॉप नहीं ले सकते हैं एज पर अदल ऑल्सो, हम लोग मैक्सिमम लेंगे अब दूसरा स्टॉप 3 बजे तक, फिलहाल 9:40 में हम लोग निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट करके। तो गाइस ऑलमोस्ट 306 किलोमीटर हो चुके हैं और टाइम है 11:08 और देखो एक खूबसूरत नजारा, क्लाउड देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं और उसके साथ ही साथ वो विंड मिल्स, ड्रॉ क्लोजअप करके दिखाता हूँ एक सेकेंड गाइस, आप देख सक रहे हो वो विंड मिल्स, मुझे विंड मिल्स बहुत खूबसूरत लगते हैं, I love them a lot. कैफे अभी जोर से हूँ क्यों किया चिल्लाया क्यों? Because I've completed the record. मैंने लगाया था 1 घंटे में कितने किलोमीटर कवर करूंगा, लेकिन मैंने मिनिमम सोचा था मुझे किसी भी हालत में 100 किलोमीटर कंप्लीट करना था, ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर हो गए हैं, बट टाइम अभी भी 5 मिनट बाकी है तो मैं देखना चाहूंगा मैं नेक्स्ट 5 मिनट में और कितने कर पाऊंगा। 400 किलोमीटर इन लाइक कितने आवर्स में? 100 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है हाँ। तो वो चैलेंज था, टारगेट मैंने लेके रखा था, तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर और 1 घंटा होने में 5 मिनट बाकी और 100 किलोमीटर कम्प्लीट हो गए, तो अभी ये देखूंगा कि नेक्स्ट 5 मिनट में और कितने किलोमीटर कर दूंगा मैं। बेब बस 12 बजने में 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट बाकी है और मैंने 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर दिया है, 110 किलोमीटर कर दिया है आपने। अभी मैं स्पीड अप ज्यादा नहीं कर सकता बिकॉज टोल आ गया, अभी लास्ट घंटे 1 मिनट में टोल आ गया, टोल भी आ गया, वरना स्पीड अप करके मैं कोशिश करता था कि 12-13 किलोमीटर कर दूं, बट सामने दिख रहा है टोल आ गया है, बट 11 मिनट होंगे तो 100 11 हो गया, तो ऑलमोस्ट पकड़ लो कि मैंने 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर दिया, 1 घंटे में हम लोग क्लॉक कर पा रहे हैं 112 किलोमीटर। गाइस आप लोग जब लॉन्ग ट्रेवल करते हो तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर करते हो कमेंट करके जरूर बताना। तो ये हमारा 7th टोल टैक्स है ना, 7th 8th, आप सो रहे थे ना एक कट गया, अच्छा 8th, मैं सो गई थी बीच में थोड़ा 5 मिनट के लिए, 8th टोल टैक्स है। Hey baby, what a record! You're crazy. ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही बैठ के गाड़ी चलाने से माइंड बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ अपने आप पे चैलेंज, that's all. Nothing new. You can't sit silently ना, कुछ ना कुछ चैलेंज चाहिए होता है लाइफ में करने को. Not sit, I keep using my brain, keep thinking something, क्या कर सकते हैं, but हाँ, लेकिन एक बताओ जैसे चैलेंज लगाया ना 1 घंटा कैसा उड़ गया मुझे पता ही नहीं चला, इसी भी अनु खाते रुको रुको दिखे और स्टॉप बाई ना हो ही नहीं सकता गाइस, चलो आई टेल यू मोर अबाउट इट, पेड़ा बेब आई वांट यू टू ट्राई दिस वन, दिस इज द पेड़ा आई वांटेड, दिस वन दिस वन दिस इज द वन, यू कैन मिक्स एंड टेक इट, नो नो ओइल पुड़ी, एक्सक्यूज मी, दिस इज द बेस्ट, how's it, nice, nice, I'm already eating, what are you doing, I'm giving you a small bite, so nice, this is one of the best guys, अगर कभी भी आप धारवाड़ से पास बाई कर रहे हो तो ये खाना, यहाँ का लोकल धारवाड़ पेड़ा खाना, आप हर हमेशा कहीं भी खाओगे बहुत अच्छा रहेगा, बट ये बहुत अच्छा है।
गर्मी हो रही थी बहुत ज्यादा, धूप हो रही है बाहर बहुत, प्यास लग रही थी। रास्ते में बहुत लंबा ट्रैवल है, बीच में ही मिला है हम लोग को एक स्टॉप। सफर का अपडेट है, 610 किलोमीटर हमने कवर किया है, 240 टाइम है, और ये ग्रीन बेल्ट खूबसूरत नज़ारे को अभी हम छोड़ने वाले हैं। कर्नाटक से बाहर अभी हम महाराष्ट्र एंटर करने वाले हैं गाइस। इन अनदर 20 मिनट्स फ्रॉम हियर हम महाराष्ट्र बॉर्डर्स में पहुंच जाएंगे। क्या हुआ? हमारे माननीय राष्ट्रपति जी आ चुके हैं कोल्हापुर में, और कोल्हापुर में पति पति हो गया पूरा यहाँ पे। अब ये 2 किलोमीटर तक जाम लगाया तो हमारा वो 5 तो यहाँ पे बज रही है, कब से हम 1 घंटे से जाम में खड़े हैं, क्या करें। राष्ट्रपति जी आई है ना, मुर्मू राष्ट्रपति मुर्मू जी आए हैं, मीठा कैमरा बंद करने पे पूरा खाएंगे। क्या सेम है वो सारा राष्ट्रपति मुर्मू, तो यहीं पे आज हम लोग को लगता है गुड नाइट होने वाला है। पूरा 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 जाम, देख सकते हो कितना जाम, ये है हालत। ऊपर का जो फ्लेवर है वो भी पूरा का पूरा जाम है, नीचे भी जाम है। पहुंच चुकी होंगी लगता है मुर्मू जी के वजह से, आ गई होंगी, सबको मुर्मुरे हो गए यहाँ पे। 2 hours 25 minutes हो गए गाइस, अब जाके ट्रैफिक थोड़ी थोड़ी मूव कर रही है। हालत देखो यहाँ की, उफ। अच्छा है ना यहाँ पे भी बहुत थक गए थे रास्ते में, ये मुंबई के स्टारबक्स हमारी हर दिन हम एक बार स्टारबक्स में जाके कॉफी पीते थे, मैं मुंबई मिस कर रहा हूं ऑलरेडी। पहुंच ही रहे मुंबई और हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ सामने, और आगे से हम डोमिनोज खाएंगे और वहाँ पेट्रोल पंप है, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज है। डीजल हमने फुल टैंक करवाया था, टॉप अप करवाया था, फिर भी खत्म हो गया, बहुत रैश चला दिया ना थोड़ा, जब भी थोड़ा 10 किलोमीटर का एवरेज देना चाहिए गाड़ी, जिस तरह की तरीके से चलाएं, 6 का एवरेज दिए गाड़ी, 6.5 का बस। पूरा पावर मोड में चलाएं गाड़ी, पावर मोड में चल गया कि हुआ क्या, 3 घंटे रोड में खड़ना पड़ा ना, 3 घंटे ना वॉशरूम जा पा रहे थे, इतना लंबा सफर करके सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं, 3 घंटे से क्योंकि प्रेसिडेंट आ रहे तो सारा लॉक कर दिया था ट्रैफिक, वॉशरूम नहीं था, कुछ खाने पीने को नहीं मिल पा रहा था, भूख लग रही थी, हमने ब्रेकफास्ट के बाद कुछ खाया नहीं था, 3 बजे का प्लान किया था, बस सोचा था थोड़ा आगे जाके खाएंगे बट नहीं मिला, तो फाइनली अभी यहाँ पे आए हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, पिज्जा खाएंगे, लेंगे निकलेंगे क्योंकि बहुत देर हो चुकी है ऑलरेडी। आज हम सुबह 6 बजे से गाड़ी चला रहे हैं, ये चलाने की बात नहीं आई, एंजॉय ड्राइविंग कार बट आई डोंट एंजॉय ट्रैफिक एट ऑल मैन, ऊपर भी ट्रैफिक नीचे, जितना फास्ट हमने चला के रास्ता कवर किया है ना उसका सच बोल रहे हैं डबल हो गया हम लोग को यहाँ पे, रुक रुक के कब से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। हटो यार बस एपिक मैन, मुझे लाइफ में मैं इतना ट्रैवल किया हूं, मैं इतनी गंदी ट्रैफिक में कभी भी नहीं फंसा हूं, तो ऑलमोस्ट वी हैव रीच पुणे नाउ गाइस, इजी नहीं था, नदर बोल सकता हूं 2 hours 45 minutes to 3 hours वी विल बी इन महाराष्ट्र इन आवर डेस्टिनेशन, महाराष्ट्र आ गए, मुंबई इन आवर डेस्टिनेशन। वी बी हेड्स ऑफ टू यू, यू आर ड्राइविंग फ्रॉम आवर्स एंड आवर्स लाइक काउंटलेस आवर्स नाउ, इट्स बीन 10 o'clock नाउ, 10 शार्प 10 बज गए हैं ये, और जो हम लोग चलो चलते रहो तो गाइज एक फाइनल हमारा लास्ट ब्रेक है हाईवे का, अभी डिनर कर रहे हैं, डिनर करके यहाँ से और 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, तो 3 hours यहाँ से ट्रैवल करेंगे, घर जाके सो जाएंगे, आई एम वेरी टायर्ड, मैं तो सोमी से कह रहा था इधर ही रूम लेके रह जाते हैं कहीं पे, बट कल बहुत काम है हम लोग को बॉम्बे में, और दूसरा है आदिल का कल कॉस्ट्यूम ट्रायल है, कॉस्ट्यूम ट्रायल, लुक टेस्ट, डायरेक्टर से मीटिंग, स्क्रीन प्ले, इतना काम है मुझे कल, तो जब वो सोच रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रहना डिजर्व नहीं कर पाता, आई हैव टू गो नो मैटर व्हाट, वरना मैं
यहाँ पे रूम लेके सो जाऊंगा, मेरी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं है गाइस। बहुत आदिल की ज्यादा हालत खराब हो चुकी है, बिकॉज मैं तो फिर भी बैठी हुई हूँ, आदिल कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे हैं। गरम दाल, नॉर्थ आ गए, नॉर्थ में मिलेगी अरहर दाल, चावल, पापड़, ऑनियन एंड सम पिकल विद कर्ड। बस 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 बस। तो गाइस हुआ क्या था, हम लोगों को 10-11 बजे मैक्सिमम मुंबई पहुंचना था, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जाम 3-4 घंटे रुकना पड़ा, हम नहीं पहुंच पाए और मैं इतना टायर्ड और एग्जॉस्ट हो चुका हूं। अभी हम पुणे में आज स्टे करने वाले हैं, हमें भी बहुत थक गए सच में। तो दैट्स इट फॉर अ डे गाइस, अभी मैं सोने जा रहा हूं, टूर करा लूं। आज जो भी स्टॉप बाय कर रहे हैं, ये हमारा रूम अच्छा है ना, रूम लुक्स नाइस। नेक्स्ट व्लॉग में यहाँ से जर्नी कंटिन्यू करेंगे।